आज आई क्यों नहीं? कितना इंतजार किया मैंने आपके लिए। ग्रिल सैंडविच बना के लाए थे हम। अच्छा, आज ग्रिल सैंडविच लेके आई थी। वाह, पहले बोल दिया होता तो क्लास मिस नहीं करते यार। वो नहीं, फिर कभी खाएंगे। अच्छा, कैसा चल रहा है कोचिंग सेंटर में? बोर हुए और क्या, आप नहीं आते तो हमारा तो मन ही नहीं लगता क्लास में। अरे हाँ, आज वो पिछले हफ्ते का मॉक टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? आ गया, हम तो पास हो गए। मेरा चेक किया? चेक करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरे जोर शोर से पूरी क्लास के सामने टीचर ने अनाउंस किया आपका रिजल्ट। क्या? इतना माइंड ब्लोइंग नंबर आया? हाँ जी, इतने माइंड ब्लोइंग तरीके से फेल हो गए आप। फेल हो गए? हाँ। अच्छा, वो सब कुछ छोड़िए ना, ये बताइए हमारे पिंक कलर का नेल पेंट कैसा लग रहा है? अरे, मैं मॉक टेस्ट में फेल हो गया और आपको पिंक कलर का नेल पेंट क्या पड़ी? अरे, क्या चल रहा है? हैंग? हाँ? हैंग टिल डेथ, मोबाइल हैंग कर गया। क्या छुपा रहे हो? नथिंग, कुछ नहीं, सिवाय उस दर्द के जो मेरे सीने में तेरे जाने के डर से होता। कि शायरी वायरी बंद करो, पहले मुझे ये बताओ मम्मी के साथ मिलके कौन सा नया कांड कर रहे हो? हाँ, और रोहित भैया को लेकर वो रूपचंद की दुकान पर क्यों गए थे? वो अरे, उनका नया स्टॉक आया है तो नमकीन टेस्ट करने के लिए बुलाए थे। होता ना आसाम में टी टेस्टर, वैसे यहाँ नमकीन टेस्टर रतलाम में। बस तो तुम सीधा सीधा नहीं बताओगे ना? मत बताओ, फिर आज मैं भी तुम्हारे कोचिंग सेंटर में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट ले लूंगी। अरे क्यों? ताकि मुझे भी तो पता चले ये जनाब टेस्ट वेस्ट में पास हो रहे हैं या फेल। अरे अदिति, तुमको इसके लिए कोचिंग सेंटर जाने तक का लोड लेने की क्या जरूरत है? तुमको मैं दिखाता हूँ ना घर पे लाके रिजल्ट शाम में। पक्का? हाँ पक्का पक्का। ठीक है, अगर आज शाम तक नहीं दिखाया ना तो कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे कोचिंग सेंटर पे मिलूंगी। हाँ ठीक। देखो, इस घर में जो भी मसले चलते हैं ना। मसले? इस घर के मसले ही खत्म नहीं होते। हाँ तो चलने दो ना, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझ गए ना? तुम्हारे लिए आईएएस निकालने से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम भी नहीं? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, जितनी मेहनत तुम कर रहे हो ना उतना ज्यादा सेक्रीफाइस मैं भी कर रही हूँ। पता है 3 साल से तुमसे दूर रह रही हूँ, इस साल में पक्का पेपर निकालूंगा। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ मम्मी के साथ मिलकर कौन सी नई खुराफा चल रही है? हाँ? नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। अरे दिव्या सुनो ना, मैं रूपचंद जी से मिलके सीधे यहाँ आई हूँ माथा टेकने। लक्ष्मी माँ ने मेरे लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। तुम्हें पता है रोहित इतना खुश था, उसका काम शुरू होने वाला है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है और ये सब प्रीति की वजह से हो रहा है। उसी ने रूपचंद जी से बात की होगी रोहित के बिजनेस में पैसे डालने के लिए। अब रोहित भी प्रीति के लिए मना नहीं कर सकता। अरे क्या कर रही हूँ, इधर लाओ, तुमसे एक पैकेट नहीं खुलता, ये देखो, इसे ना सही जगह पकड़ के ऐसे ऐसे खोलते हैं। खुल गया? सही जगह ध्यान देती ना तो खुल जाता। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ सविता, कि ध्यान दो, अनुचित प्रकार से किए गए किसी भी कार्य का परिणाम उचित नहीं होता। अरे वाह, मेरा ज्ञान घुमा के मुझे को सिखा रही हो। तो कल मैं तुम्हें 9 बजे कोचिंग सेंटर के बाहर मिलूंगा। अच्छा प्रीति, थैंक यू सो मच। ये दामाद जी को प्रीति से क्या काम पड़ा? वैभव, क्या हुआ? कुछ नहीं। कहा था तू फिर से उस लड़की से तो नहीं मिलने गया था? और ये तेरे कपड़े क्यों गंदे हैं? तू ठीक है ना?
अरे मम्मी सब ठीक है, वो बाइक स्टैंड से उतर गए थे इसलिए गिर गया था, सब ठीक है, आप टेंशन मत लो, है ना? सब सही है। काट रही है यार ये, मे बी बिजी होगी, फिर मैसेज ही कर देता हूं। सॉरी मुझे निकलना पड़ा। श्रेया एटलीस्ट रिप्लाई। कल शाम को गरबा प्रैक्टिस है, आ रही हो ना? आंटी आप? दामाद जी आए थे? हाँ। किस काम से? इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? बताती हूँ आंटी। क्या हो गया है? 10 बार फोन आ चुका है, काट रही है, बार बार हुआ क्या है? मुझे नहीं बात करनी किसी भी मतलबी इंसान से। मतलबी इंसान? क्यों भाई, क्या कर दिया उसने ऐसा? मेरे सामने हीरो बन रहा था और आपसे 1 लाख का इनाम ऐसे लेकर गया ना एकदम चुपचाप। मुझे लगा था कि ये सब मेरे लिए कर रहा है, पर नहीं, उसे तो पैसों से मतलब था। मेरी फ्रेंड गुंजन ना एकदम सही कह रही थी, ये भी बाकी सब लड़कों की तरह ही है, मतलबी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.